दोस्तों अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि सिल्वर स्टिक प्रॉब्लम क्या होती है। मिल्की सिल्वर स्टिक अपेयर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जब कंपोनेंट में मिल्की सिल्वर की लाइनें पड़ती हैं कंपोनेंट में तो उसे और वो फ्लो की जिस डायरेक्शन में हो उसे हम सिल्वर स्टिक प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं तीन फोटो मैंने बनाया, ए बी सी। जो हमारी ए टाइप की प्रॉब्लम है आपने देखा होगा कि कंपोनेंट के लास्ट में होती है। ये किन किन रीज़न से आती है? ठीक है, जब गैस जनरेट हो रही हो मटेरियल में, एयर ट्रैप हो रही हो, शेयरिंग के द्वारा हीट एनर्जी जनरेट हो रही हो। ठीक है, जो हमारी बी टाइप है ये पूरे कंपोनेंट में सिल्वर लाइनें होती हैं, तो वो क्या किस लिए? वो होती है हमारी नॉर्मली मॉइस्चर और दो जब दो मटेरियल आपस में मिक्स ना हो रहे हों। ठीक है, जो इस तरीके की लाइनें आती हैं उन्हें भी नॉर्मली इंडस्ट्रीज में नॉर्मली सिल्वर ही कह के बोलते हैं, लेकिन वो होता है कोल्ड स्लग प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। जब हमारी गैस जनरेट हो रही हो बैरल के अंदर, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों? उस कंडीशन में हम करेंगे कि बैरल के अंदर मटेरियल का जो वेटिंग टाइम है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो और हमें क्या करना होगा? जो बैरल का जो टेम्परेचर है वो कम करना होगा। ठीक है, इस पे ही काम करेंगे। तो इसका मतलब हो गया डिक्रीज सिलेंडर टेम्परेचर, यानी कि बैरल का टेम्परेचर हमें कम करना होगा। इंक्रीज स्क्रू रोटेशन डिले, यानी कि जब लेट चार्जिंग होगी तो उसी के हिसाब से क्या होगा, हमारा मटेरियल थोड़ा लेट जाएगा बैरल के अंदर। ठीक है, डिक्रीज करना पड़ेगा बैक प्रेशर। कुछ मटेरियलों में बैक प्रेशर को कम करना होता है, जैसे पीबीटी हो गया, थोड़ा सा कम करना पड़ता है। इंक्रीज करना पड़ेगा बैक प्रेशर, जैसे एबीएस है, टेम्परेचर बैक प्रेशर थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। पीसी है, थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। डिक्रीज स्क्रू रोटेशन, रोटेशनल चार्ज, जब हम चार्जिंग को थोड़ा कम करेंगे, स्क्रू रोटेशन कम करेंगे तो चार्जिंग लेने में टाइम और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, डिक्रीज करेंगे शक बैक, तो शक बैक को हम कम करेंगे। ठीक है, अगर हमारे मोल्ड के अंदर एयर ट्रैप्ड हो रही है तो यानी कि वहाँ पे जो है क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि एयर नहीं निकल रहा तो यानी कि शेयरिंग एनर्जी वहाँ पे बढ़ जा रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मतलब शेयरिंग एनर्जी का मतलब ये मानिए कि जहाँ से एयर निकलनी है तो एयर मटेरियल जो है हैवी प्रेशर हैवी स्पीड से मोल्ड के अंदर जाएगा और एयर के कॉन्टैक्ट में आके डिग्रेड होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा इंजेक्शन पैटर्न। दोस्तों इस पर मैं बाद में वीडियो डालूंगा इस चीज़ को समझाने के लिए। ठीक है, इसे नॉर्मली आप ऐसे समझें, यदि कहीं पर रिप्स है तो इंजेक्शन स्पीड थोड़ा कम रखनी पड़ती है, वरना नॉर्मली थोड़ा फास्ट होती है। ठीक है, डिक्रीज करेंगे शक बैक प्रेशर एंड स्पीड को, डिक्रीज करना पड़ेगा स्क्रू रोटेशन को। ठीक है, अब हम बात करेंगे हीट इज जनरेटेड बाय शेयरिंग। दोस्तों जब हमारा स्क्रू अंदर मूव करता है तो उसके द्वारा जो एनर्जी है वो जनरेट होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें क्या करना होगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये अब यहाँ पे क्लियर होगा आपको, डिक्रीज करना पड़ेगा इंजेक्शन प्रेशर, इंक्रीज करना पड़ेगा बैरल टेम्परेचर, इंक्रीज करना पड़ेगा मोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, डिक्रीज करना पड़ेगा होल्डिंग प्रेशर, डिक्रीज करना पड़ेगा स्क्रू रोटेशन, यानी कि हमारी शेयरिंग एनर्जी थोड़ा कम हो। देखिए, इंजेक्शन प्रेशर कम किया हमने, इंक्रीज करा बैरल टेम्परेचर, यानी कि हमारी इंजेक्शन स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है, फ्लो अच्छे से मिलेगा। इंक्रीज कर रहे हैं मोल टेम्परेचर, यानी कि फ्लो अच्छा मिलेगा। होल्डिंग हम वहाँ पे कम कर रहे हैं, स्क्रू रोटेशन भी हम वहाँ पे कम कर रहे हैं ताकि शेयरिंग एनर्जी कम हो। अब बात करते हैं बी नंबर पे। ठीक है, तो बी में क्या है, नॉर्मली दोस्तों मॉइस्चर के कारण ही इस तरीके के सिल्वर आते हैं। इस कंडीशन में क्या करना होगा, हॉपर का टेम्परेचर या ओवन जिसमें भी हम प्री हीट कर रहे हैं मटेरियल को, वो चेक करना चाहिए। यदि तब भी नहीं हो रहा तो हमें जो है उसका टाइम और जो उसका टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ाना होगा। अनमीट मटेरियल इज फीड इन टू कैविटी सेकेंड केस। दोस्तों इसमें क्या होगा कि दो मटेरियल हैं वो हम फीड कर रहे हैं कैविटी में। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज करना पड़ेगा मोल टेम्परेचर, इंक्रीज करना पड़ेगा बैक प्रेशर, इंक्रीज करना पड़ेगा स्क्रू रोटेशन,
डिक्रीज करना पड़ेगा स्क्रू रोटेशन, अमोरफस के लिए इंक्रीज करना होगा, क्रिस्टल के लिए डिक्रीज करना होगा। इंक्रीज करेंगे सिलेंडर टेम्परेचर को, ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कोल्ड स्लब अपेयर इन कैविटी, ठीक है, तो सी पे। तो दोस्तों मैं कोल्ड स्लग पे पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको इस प्रॉब्लम को वहाँ पे भी किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा करने से आप काफ़ी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। नॉर्मली जो हमारा जो सिल्वर की प्रॉब्लम आती है वो दो कारणों से, मटेरियल मतलब नॉर्मली मटेरियल में यदि मॉइस्चर है, और हमारा इंजेक्शन का पैटर्न क्या है, ठीक है, और मटेरियल का जो वेटिंग टाइम है वो बैरल के अंदर कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है, स्क्रू रोटेशन कम होना चाहिए। तो नॉर्मली हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों।